बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब मेरे व्यूवर्स? आज जो मैं घर में बना रही हूँ वो मटर है। ये मटर जो है इधर कराची में मलेर के हैं, तो ये गलते नहीं है। वैसे अगर मैं मसाला भून के बनाऊँ तो इनको जैसे चने बनाते हैं या फिर गोश्त वगैरह बनाते हैं, सबसे पहले सारी चीज़ें डाल के गलाते हैं। ऐसे ही मैं कुकर में इनको गलाऊँगी। धो लिया अच्छे से मैंने इनको, और कुकर भी मैंने ये देखें तो रख लिया चूल्हे पे। अभी मैं डालूँगी मटर, और जो मसाले हैं उनमें अदरक लहसुन दो अदद प्याज हैं, ये मैंने कटिंग करके रख लिया। सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर भी अच्छे से रहते धो लिया और कटिंग कर लिया। इस मौसम में ना जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह धो के कटिंग करना चाहिए, और देखना चाहिए कीड़े वगैरह ना हों। मटर को भी अच्छे से जो झीलते वक्त देख लेना चाहिए, मटर के जो दाने होते हैं उनके अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैंने अच्छी तरह धो लिया अच्छे से। अभी मैं उनको मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंडर करूँगी सारे मसाले को, फिर मैं मटर में डालूँगी और 15 मिनट का कुकर लगाऊँगी। तो आपने मेरे साथ बने रहना है, मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है जी। तो व्यूअर, ग्राइंडर का जग मैंने ले लिया है, अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। वैसे तो इसमें मैं नहीं पीसती क्योंकि ये जूस के लिए है, और लस्सी वगैरह ग्राइंड करने के लिए, मिल्क शेक बनाने के लिए बहुत कम मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने लगी हूँ मैं इसको। अब फिर अच्छे से धो के तो पानी में भगो के रख दूँगी ताकि इसमें नमक जो मिर्चें हैं और लहसुन अदरक की खुशबू ना रहे। हाँ जी, प्याज और टमाटर मैं वैसे डाल दूँगी, और अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया क्योंकि मुझे जल्दी खाना बनाना है, तो इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अभी मैं एक गिलास पानी डाल के इसको 15 मिनट का सीटी लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। जी व्यूअर्स, तो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, पानी भी मैंने 1.5 गिलास डाला, 1 गिलास नहीं। अभी मैं सूखे मसाले डालूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली हैं तो लाल मिर्चें मैं कम डालूंगी। आप लोग अपने जायके के हिसाब से जैसे आपको जायका पसंद है वैसे कर लें। 1/2 चम्मच ही मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी, और 1 चम्मच भर के मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा सूखा धनिया डालूंगी, और थोड़ा सा काला जीरा डालेंगे। काले जीरे की खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, और ये काला जीरा थोड़ा सा डालूँगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खुशबू के लिए, और थोड़ा सा अजीना मोटो जिसको कहते हैं चानी नमक वो डालूँगी थोड़ा सा, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और अभी मैं कुकर कर देती हूँ बंद, 10 या 8 मिनट का कुकर लगाऊंगी जिससे मटर जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। मिलते हैं 7-8 मिनट बाद। व्यूअर्स, अगले ही मैंने जला और कुकर को मैंने रख दिया ऊपर। अब मैं लगाऊंगी सीटी, और ये विसल जो है वो 7-8 मिनट चलेगी, तो फिर इसको बंद करके चेक करते हैं कि हमारे मटर जो हैं वो पीस जो है वो गल गए हैं या नहीं। जी तो व्यूअर्स, कुकर को भी खोलते हैं और चेक करते हैं कि मटर हमारे गल गए हैं कि नहीं। खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, तो अभी हम चेक करते हैं। हाँ जी, मटर हम चेक करते हैं एक निकाल के कि मटर गल गए हैं कि नहीं। आपकी मदद से जी ये देखें गल गए हैं अच्छे से। अब जो इसमें पानी है, एक्स्ट्रा जो पानी है वो मैं इसको अच्छे से ड्राई करूँगी, और फिर इसकी आलू डाल के बनाई करूँगी। हाँ जी व्यूअर्स, पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 2-1.5 चम्मच जो है वो ऑयल का डालूँगी, ये साथ ही मैं
आलू भी डाल दूंगी, दो मीडियम साइज के आलू हैं इस साइज के, ये मैंने कटिंग कर ली है, ये राइस का मुझे ज़्यादा लग रहे थे इसलिए सिर्फ मैं दो डाल दूंगी। अब मैं इसकी अच्छे से बनाई करूँगी, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और अच्छे से बनाई करूँगी जब तक और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। हाँ जी, आलू मटर मेरे जो हैं वो हो रहे हैं फ्राई, इस स्टेज में मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के तो दही डालूँगी, ये 4 चम्मच के करीब दही है जो मैं डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें अच्छे से चम्मच हिलाती जाऊँगी ताकि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दही डालने का मकसद यह है कि जो मटर हैं और आलू हैं वो मीठे ना हों, मीठा मीठा जायका ना आए। जी तो व्यूअर्स, आलू मटर की मेरे अच्छे से टीलिंग हो गई है, मतलब के फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको तरी ऊपर आने तक हल्की आंच में पकाऊंगी। तब तक मैं आटा गूंद लूँ, फिर रोटियां साफ बनाते हैं। तो वीडियो चेक करते हैं हमारा आलू मटर के, देखिए माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आलू मटर मेरे रेडी हैं। अभी इसमें मैं धनिया डालूंगी थोड़ा सा और चपातियां भी मेरी रेडी है। जी तो व्यूअर, सलाद मेरा रेडी है आलू मटर का, देखे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है, ऊपर मैंने धनिया पुदीने की गार्निश भी कर ली है, देखे बहुत मज़े का और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सारी। इधर मेरी ग्रीन चटनी धनिया पुदीने की वो भी रेडी है, दही भी, और अभी हम खाना इंजॉय करने लगे हैं। आप हमें देख के इंजॉय करें, अपना फीडबैक लाजमी कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बैरों का ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।